करीब तेरह साल पहले मैं एक दौराहे पर था जब मेरे पिताजी गंभीर रूप से बीमार थे और अपने जीवन के उस मोड़ पर और उससे पहले भी मेरे जीवन में धर्म का नियम से पालन होता था मुझे इसी तरह से सिखाया गया था था मुझे लगता था कि वैसा करना ही सही चीज है जब मेरे पिता अपने आखिरी वक्त में थे तो मुझे कई चीजें करने की सलाह दी गई थी जो अब मुझे बिल्कुल बेतुकी लगती हैं। जैसे किसी खास मंदिर में जाना किसी खास रंग की गाय को कुछ खिलाना और घर में कुछ पूजा पाठ करना और मैंने वो सारी चीजें की बिना उस बारे में ज्यादा सोचे क्योंकि जैसा कि आपने कहा जब आप इस धरती पर मूर्खों की बात कर रहे थे तब मैं निश्चित रूप से उनमें से एक था लेकिन कई बार आप ऐसी नाजुक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप किसी भी तरह के हताश उपाय को खोजते हैं और आप किसी उम्मीद पर टिके रहने की कोशिश करते हैं और ऐसी चीज करते हैं जिनकी आपको सलाह दी गई होती है हालांकि वो आपकी बुद्धि या सोच के खिलाफ जाती है उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह जो अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर चुके हैं और किसी चीज पर उम्मीद लगाकर टिके हुए हैं भले ही वो धार्मिक हो अध्यात्मिक हो या फिर कोई बेबुनियाद सलाह हो। देखिए इन बेसिस ऑफ दिस इस तरह की आकांक्षाओं के पीछे बुनियादी वजह यह है कि लोग जीवन से बुरी तरह से डरे हुए हैं ऐसा क्यों है ये कुछ ऐसा है मान लीजिए कि आप एक स्टैंड पर खड़ी एक साइकिल पर बैठ गए और आप मजे के लिए यूं ही पैडल चलाने लगे लेकिन साइकिल अचानक स्टैंड से उतर गई और चलने लगी घबराहट ज्यादा तेज डर और ज्यादा तेज आतंक इसकी बुनियादी वजह लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो साइकिल चलाना जानता है ये जितनी तेज चलेगी उतना ही अच्छा होगा लेकिन जिसे साइकिल चलाना नहीं आता जैसे ही यह चलेगी उसे डर लगेगा तो बुनियादी चीज बस यही है आपको एक बहुत जटिल और परिष्कृत वाहन दिया गया है इस जीवन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए यानी इंसान का सिस्टम इसमें शरीर मन भावनाएं, ऊर्जा वगैरह कई आयाम हैं। असल में इंसानी सिस्टम बहुत जटिल चीज है Now... अब आप इसे चला रहे हैं आप जीवन से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं इस वाहन के बारे में एक भी चीज समझे बिना हर बार जब ये चलता है आतंक पैदा होता है अगर ये नहीं चलता तो आप बोर हो जाते हैं अगर ये चलता है तो आप आतंकित हो जाते हैं इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है मुझे एक चीज बताइए मुझे एक ऐसी चीज बताइए जिससे इंसान दुख नहीं पा रहा है अगर वो गरीब हैं, तो वो गरीबी का दुख मनाते हैं अगर वो अमीर बन जाते हैं तो टैक्स का दुख मनाते हैं अगर वो अनपढ़ हैं, तो उसका दुख मनाते हैं उन्हें स्कूल भेज दीजिए बे दुख शादी नहीं हुई तो उसका दुख आप उनकी शादी करा दीजिए जी मैं इसी बात पर आ रहा था मैंने कुछ नहीं कहा वो लोग ही हैं शादी के बारे में लोगों की राय साफ समझ आ रही है तो मुझे एक चीज बताइए जिसका लोगों को दुख नहीं है तो अब कोई व्यक्ति एक सिद्धांत पेश कर देता है जीवन ही दुख है आप जानते हैं इस तरह की फिलॉसफी मौजूद है अब यह जीवन के बारे में नहीं है क्योंकि आपने अभी तक जीवन को छुआ भी नहीं है अभी आप जिनसे खेल रहे हैं वो बस आपके अपने विचार और भावनाएं हैं और आप पागल हो रहे हैं तो आप एक ऐसी साइकिल पर सवार हैं जिसे चलाना आपको नहीं आता लेकिन यह बस एक साधारण साइकिल नहीं है यह एक जटिल मशीन है आपको इसकी सवारी करना नहीं आता आप नहीं जानते कि अपने विचारों को कैसे संभालें अपनी भावनाओं को कैसे संभालें ऑल दिस थिंग्स इंसानी अनुभव वास्तव में आपके भीतर से पैदा हो रहा है चाहे वो दुख हो या सुख पीड़ा हो या आनंद यह आपके भीतर हो रहा है कम से कम जो चीज भीतर होती है उसे तो आपकी मर्जी से होना चाहिए ये दुनिया आपके तरीके से नहीं चलेगी लेकिन अभी समस्या ये है कि आपके भीतर जो हो रहा है वो भी आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है आपके मन में जो हो रहा है वो एक सपना है यहां तक कि आपका सपना भी आपके अनुसार नहीं हो रहा है यही समस्या है समस्या ये नहीं है कि जीवन आपके अनुसार नहीं है यहां तक कि आपका सपना भी आपके अनुसार नहीं है और यही उनके दुख की वजह है लेकिन वो सोचते हैं कि वजह शादी है बच्चे हैं गरीबी है नहीं बात बस इतनी है कि आप खुद उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से आप चाहते हैं यही आपके दुख की असली जड़ है तो अगर आप साइकिल चलाना सीखना भी चाहें जो एक साधारण बुनियादी मशीन है इसके लिए एक हद तक ध्यान देने की और भागीदारी की ज़रूरत होती है वरना आप साइकिल नहीं चला सकते इसे चलाना चाहने के लिए एक ज़बरदस्त इरादे की जरूरत होती है वरना साइकिल चलाना बिल्कुल असंभव होगा जब आप इसे चलाना सीख लेते हैं तब आप हाथ छोड़कर चला सकते हैं अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं काफ़ी कुछ शादी की तरह क्योंकि पहिए घूमते हैं लेकिन कभी कभी वो कहीं नहीं पहुंचते नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग शादी के जरिए किसी मुकाम तक पहुंचे हैं हाँ हम पता लगाना चाहेंगे कि कहा